नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं अपने इस दूसरे वीडियो की जो कि रिलेटेड है यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 यानी कि आज आयोजित की गई थी उसके संबंध में आंसर की हम आपके सामने ला रहे हैं। ये आंसर की जो हम ला रहे हैं वो 30-30 प्रश्नों के 5 अलग अलग वीडियोज़ में लेके आ रहे हैं ताकि वीडियोज़ की साइज़ ज़्यादा बड़ी ना होने पाए। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें 1 से लेकर 30 प्रश्न की आंसर की हमने डिस्कस की हुई है। इस दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 31 से लेकर 60 नंबर के प्रश्नों की आंसर की, यानी कि जो सीरीज हमारे पास प्रश्न पत्र की है वो है डी सीरीज। तो डी सीरीज में जो 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न हैं उनके सही आंसर्स, मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं CGS कोचिंग के अपने यूट्यूब चैनल CGS ई क्लासेस पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी यूपी सुपर टेट से रिलेटेड या यूपी TGT PGT एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस हैं जो हम यूट्यूब पे निःशुल्क भी प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपको मिलती रहे। और संबंधित जो सूचनाएँ हैं परीक्षा परिणाम से संबंधित, आंसर की से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, वो भी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन पेपर सीरीज डी यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम 6 जनवरी 2019 आंसर की के साथ दूसरा वीडियो है ये आपका। प्रश्न संख्या 31 है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, क्या दिया हुआ है देखिए 13, 14, 18, 16, 19 और 12। पूछता है इनकी मध्यिका क्या होगी यानी कि मीडियन क्या होगी इसकी अगर एजेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन एज 13, 14, 18, 19, 16 एंड 12 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द मेरिडियन ऑफ द क्लास। इसका राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन संख्या 2 यानी कि 15 विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है आपका देखिए यह पूछ रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों में आनुभाविक संबंध है, 2 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य पहला विकल्प है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य तीसरा विकल्प है, मध्यिका प्लस इज इक्वल टू बहुलक प्लस माध्य चौथा विकल्प है, मध्यिका इज इक्वल टू 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 मध्यिका बराबर बहुलक जमा 2 माध्य यानी कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, राइट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं, 33 पे प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 25%, 40/3%, 50/3%। सही विकल्प जो इस प्रश्न का होगा वो होगा 50/3% यानी ऑप्शन संख्या 4। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, मैथ के जो प्रश्न थे आपके वो खत्म हो चुके हैं, अब ये जीके के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के। तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, इसमें 34 नंबर पे भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ओपी रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा, SY कुरैसी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा देखिए 34 का वो हो जाएंगे कौन, सुनील अरोड़ा। जो अभी सुनील अरोड़ा साहब हैं वो जो हैं 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने जो प्रिसीड किया है यानी जिसकी जगह पे ये आए हैं वो कौन है, ओपी रावत की जगह पे। क्लियर हुआ, तो सुनील अरोड़ा नए 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं जिन्होंने ओपी रावत का स्थान 2 दिसंबर 2018 को लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, सुनील अरोड़ा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आप सब लोग जानते हो ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 29 अगस्त जो है भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 36वां प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा। बुद्ध चरितम देखिए जो महाकाव्य, ऑप्शन दिया हुआ है आराम से मिल जाएगा आपको आंसर इसका, अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र, गौतम बुद्ध। तो ऑब्वियसली ये जो है अश्वघोष के द्वारा लिखी हुई रचना है जिन्होंने की बुद्ध चरितम लिखा है। तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका देखिए वो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, अश्वघोष। 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या था, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018। जैसा कि आप जानते हो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम पूछा गया है। थीम इस बार की जो थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018। क्लियर हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसपे अभी KVS में भी प्रश्न आया था कि ये जारी कौन सी संस्था करती है, वहाँ पे यूनेस्को का सही आंसर जा रहा था।
तो बेसिकली ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, यूनेस्को नहीं सॉरी, वहां पे जो आंसर जाए यूनाइटेड नेशंस जा रहा था, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है पूछा हुआ है। तो भारत का जो स्थान होगा दोस्तों इसमें 38 क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 133rd, यानी कि ऑप्शन संख्या 3, 133वां स्थान भारत का होगा अगर हम बात करेंगे किसकी, वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स या विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स कह सकते हैं इसको हम लोग, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। और भारत के तुरंत बाद जो स्थिति है वो नाइजर की है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि नाइजर के जस्ट ऊपर ही भारत है, बाकी श्रीलंका, चाइना, इवन पाकिस्तान भी भारत से ऊपर के रैंक में आते हैं इसके अंदर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ पंथ नामक संप्रदाय जो है, नाथ पंथ जो नामक संप्रदाय है वो कौन इसका प्रवर्तक है। आप सब लोग यूपी में चूंकि परीक्षा देके आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, वो भी गोरखपुर में ही हैं, गोरखपुर से ही सांसद भी थे वो, तो गोरखपुर को ही बेसिकली गोरखनाथ के नाम पे कहीं ना कहीं जाना जाता है। और गोरखनाथ जी के गुरु जो थे वो थे मत्स्येंद्रनाथ। आपने कबीर की एक पंक्ति भी सुनी होगी, भाग मच्छंदर गोरख आयो, ठीक है। तो मतलब गोरखनाथ की जो के गुरु जी जो थे मत्स्येंद्रनाथ, वो इसका सही आंसर होना चाहिए। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 1, मत्स्येंद्रनाथ यानी नाथ पंथ नामक संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ। 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ कर्नाटका, एकदम सही आंसर हो जाएगा यक्षगान, क्योंकि गरबा होगा नहीं, गरबा गुजरात का है आप जानते हो। और जो आपका इसमें दूसरा विकल्प है चरकुला, चरकुला ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत और लोक नृत्य है। जवारा जो है, जवारा राजस्थान से जुड़ता है ये, यक्षगान कर्नाटक का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यक्षगान। 41 नंबर देखते हैं, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जो है, कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर है वो, उसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां भी बनाई गई हैं, यह किसने बनवाया था, क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन दे रहा है देव वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो देखिए एकदम सही आंसर इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा, क्योंकि नरसिंह वर्मन और बाद में महेंद्र वर्मन ने भी उसको, द्वितीय ने उसको आगे बढ़ाया था, लेकिन बनवाने का जो श्रेय जाता है वो नरसिंह वर्मन को जाता है, अपनी पत्नी के कहने पे इन्होंने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा 41 का, अगर आप देखेंगे इन्होंने जो है बनवाया था कांचीपुरम में कैलाशनाथ का मंदिर। 42 नंबर प्रश्न देखिए पूछा हुआ है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो अभी तो वो प्रसिद्ध है किसके लिए, जो मिर्जापुर सीरीज आ रही है अमेजोन पे, पंकज त्रिपाठी वगैरह जिसमें एक्टिंग किए हुए हैं, लेकिन उसके लिए नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, लोक नृत्य पूछा हुआ, लोकगीत पूछा हुआ है, तो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। चरकुला हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। नकटा पमारा ये दिया हुआ विकल्पों में, तो ये न होकर नकटा अवध क्षेत्र में गाया जाता है बेसिकली। चरकुला नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र, कजरी के लिए कौन सा आएगा, जो भी पूर्वांचल का हिस्सा है पूरा, बनारस हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये सब जो है जाने जाते हैं किसके लिए, सोनभद्र हो गया, ये जाने जाते हैं कजरी के लिए। तो 42 का उत्तर हो जाएगा 1, कजरी। आगे बढ़ते हैं देखिए 43 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। अभी मोदी जी ने इस पे काफी बातें भी की थी इसका उद्घाटन करते समय, सिक्किम इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 100वां जो एयरपोर्ट भारत का स्थापित हुआ है वो किस राज्य में बना है, वो बना है सिक्किम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन 43 का भी ठीक है, एंड देट विल बी सिक्किम। आगे बढ़ते हैं इसमें 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, इसमें जितने विकल्प दिए हुए देखिए, आगरा दिया हुआ है, खुर्जा दिया हुआ है, कानपुर दिया हुआ है, फिरोजाबाद दिया हुआ है, तो ये जो है वो होगा आंसर इसका खुर्जा, यानी कि खुर्जा में स्थित है। 44वां का उत्तर हो जाएगा खुर्जा में। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 1, भारत वटवानी, क्योंकि भारत वटवानी और सोनम वांगचुक ये दो ऐसे लोग हैं जिनको कि, दो ऐसे भारतीय हैं जिनको कि वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें सोनम वांगचुक का तो ऑप्शन में नाम है नहीं, तो ऑब्वियसली जितने भी चार विकल्प हैं उसमें से भरत वाटवानी जो होंगे सही उत्तर होंगे। 46 प्रश्न देखते हैं, 46वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका फिर से आंसर संख्या 1 जो है, विकल्प संख्या वही आंसर होगा, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया। जयप्रकाश कर्दम नहीं होगा, रामदेव शुक्ल नहीं होगा, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा रमेश चंद्र शाह, पहला ऑप्शन। अब 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा
नहीं की गई है। तो देखिए सारे क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए, लेकिन जो साहित्य का नोबेल है इस बार वो नहीं दिया गया। तो सही विकल्प हो जाएगा दो, यानी कि लिटरेचर में 97 का दो हो जाएगा, क्योंकि लिटरेचर में जो है, सॉरी 47 क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि लिटरेचर में इस बार नोबेल प्राइज़ नहीं दी गई। उसका कारण उनका अंदरूनी आपस में जो एक तरीके से जो कमिटी है जो नोबेल प्राइज़ देती है उसके बीच में आपस में जो असमंजस की स्थितियां थी, कलह की स्थितियां थी, काफ़ी सारे आरोप लगे थे जो एक महिला सदस्य हैं उस कमिटी की, जिन्होंने की जिनके पति ने पिछले कई बार जो है नोबेल प्राइजेस की लिस्ट जो है लीक कर दी थी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले, तो वो सारी चीज़ों की वजह से कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, तो उन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने लिटरेचर का नोबेल इस बार अनाउंस ही नहीं किया। 48 क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन है? तो 48 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 3, यानी कि नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 की महिला एकल यानी कि वुमेन वुमेन जो सिंगल्स होते हैं उसकी विजेता रही है नाओमी ओसाका। ठीक है, जैसे आप जानते हो 4 ग्रैंड स्लम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, यूएस ओपन है, इसी क्रम में होते भी हैं ये। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नाओमी ओसाका। 49 क्वेश्चन देखते हैं, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें फिल्मों का नाम पूछा हुआ है, तुम्हारी सुलू है, हिंदी मीडियम है, विलेज रॉक स्टार्स है और भयानकम है। तो सही उत्तर जाएगा आपका क्या, विलेज रॉक स्टार्स, जो कि असमीज भाषा की फिल्म है, रीमा दास ने इसको बनाया था, उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया था, फिल्म मेकर भी वही है, को प्रोड्यूस भी किया है उन्होंने। तो इस पिक्चर का नाम है विलेज रॉक स्टार, जिसको कि नेशनल पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन संख्या 3 असमीज मूवी है, डायरेक्टर इसके कौन है, रीमा दास है, और फिल्म का नाम क्या है, विलेज रॉक स्टार्स। अब अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है कानकुन मैक्सिको में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, कटोविस पोलैंड में और दोहा कतर में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन संख्या 3, यानी कि ये दिसंबर में आयोजित हुआ था, 2 से 14 दिसंबर के बीच में 2018 में, और आयोजित कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था दोहा में, जो कि कतर में, कतर की राजधानी है, तो दोहा में ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी 50 का आंसर फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, दिसंबर 2018 में जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कटोविस में हुआ, पोलैंड में, सॉरी दोहा कतर नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा, कटोविस पोलैंड, आप करेक्ट कर लीजिए, इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा, कटोविस पोलैंड। ठीक है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कटोविस पोलैंड में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? यह भी देखिए यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा नेपाल, क्योंकि ये नेपाल के जनकपुर और भारत के अयोध्या के बीच में चलाई जाने वाली बस सेवा है जिसका नाम दिया गया रामायण सर्किट, तो नेपाल होगा ये, जनकपुर से अयोध्या के बीच में बस सर्विस, इसी को रामायण सर्किट का नाम दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 नेपाल। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए 52, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर सबको पता ही होगा, कालिदास सही आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा, पाणिनि और भारवी दिया हुआ विकल्पों में, वो ना होके सही आंसर क्या होगा, कालिदास। कुंभ मेले यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? व्हेन वाज कुंभ मेला इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? तो ये 2017 में जो है इनको, दिसंबर 2017 में इसको शामिल किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, दिसंबर 2017 में इसे शामिल किया गया, और इसका सही उत्तर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2017 ईयर पूछा हुआ है आपसे, मंथ नहीं पूछा हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो है वही सही है, 2017। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? आप सबको पता है, बहुत ही ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन है ये, जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो हमेशा ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो कथकली जो है वो केरल का है, सही विकल्प जाएगा 54 का 4, 54 का 4, यानी कि केरल। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। अब देखिए हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, सौरभ चौधरी के बारे में पूछा हुआ है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से होगा इसका सीधा सीधा आंसर, मैं बता के चलता हूँ आपको, शूटिंग से रिलेटेड है ये, क्रिकेट, मुक्केबाजी, कुश्ती से नहीं है, इसका सही आंसर होगा निशानेबाजी, यानी कि शूटिंग, सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी बहुत चर्चा में रहा, ये आप सबको पता है, जितने भी एग्जाम्स होने वहाँ वहाँ पूछे जा रहे हैं इसके प्रश्न, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये करंट अफेयर से।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो लाला लाजपत राय, सॉरी जो आपके सरदार पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाया गया है, खासकर नरेंद्र मोदी जी की इसमें बहुत रुचि थी, शुरू में जब आए थे वो उन्होंने बोला था इसके बारे में। इसकी ऊंचाई पूछी गई है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट माना जा रहा है, ऊंचा मॉन्यूमेंट माना जा रहा था, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ऑप्शन संख्या 4। 57 पे चलते हैं, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका क्या नाम है? ये भी बहुत चर्चा में रही है, अभी आपने देखा इसके ट्रायल्स हुए हैं बेसिकली दिल्ली से जो है आगरा के बीच में, आई थिंक इसके ट्रायल्स हुए हैं, और ट्रेन 18 इसका नाम है, 10 ट्रेनों का और ऑर्डर जो है पीयूष गोयल साहब ने इसको शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कि दिया जा चुका है, तमिलनाडु में बनी है ये, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन 18 और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसको ट्रायल किया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2018 का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यूष, इसमें ऑप्शन दिया हुआ मिहिर, सियेरा, समिट, तो सही आंसर क्या होगा, प्रत्यूष होगा, तो प्रत्यूष जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत का। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? जो 19th अकेडमी अवार्ड्स दिए गए, ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए, उसकी सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसके जो डायरेक्टर रहे हैं वो रहे हैं गुलेरिमो डेल टोरा, ठीक है, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वाले वीडियो का, 60वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDR जो होता है, या SDI कह सकते हैं हम इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP के द्वारा निकाला जाता है, 1990 से ही निकाला जाना शुरू हुआ है, इसमें भारत का स्थान पूछा हुआ है, तो ऑप्शन संख्या 3 जाएगा इसका सही उत्तर, 130वां, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 130वां स्थान है भारत का, 189 कंट्रीज में ये रिपोर्ट निकली है इस बार, उसमें से 130वें स्थान पे भारत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130। अब देखिए ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि बहुत लंबा इसका न हो आकार, जो है अभी भी 15 मिनट से ऊपर जा चुका है ये, तो अगले वीडियो में फिर हम क्या करने वाले हैं, तीसरे पार्ट में 61 नंबर से लेके अगले जो 90 नंबर तक के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसके उत्तरों की चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए CGS कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल CGS e-classes, और आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए आंसर की से संबंधित सारी वीडियोस, प्लस उसके बाद कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस, पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन भी हम करने वाले हैं, खासकर से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चंस में जहां पे कि ज़्यादा बच्चों को जरूरत होती है इसका फोल्डिंग की। उसके बाद जो PGT और TGT का एग्जाम होने जा रहा है फरवरी और मार्च में यूपी के लिए, उसके बारे में भी हम आपके साथ वीडियोस लेकर आने वाले हैं। साथ में UPSI, UP कांस्टेबल, इन सब पे आपको इस चैनल पे काफ़ी कुछ मिलेगा पढ़ने और सीखने और समझने को, जानने को, तो आप जो है जुड़े रहें CGS कोचिंग के ई चैनल के साथ, ई क्लासेस के साथ, यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।